हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में ये डील करेंगे कि DU लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट को आंसर कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको आंसर लिखने के पहले ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि DU लॉ फैकल्टी हमसे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और फिर हम बारी बारी हर एक टाइप को डील करेंगे कि उसका आंसर कैसे देना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि किन बातों का ध्यान रखना है आंसर लिखने के पहले। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात हो जाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो 3 घंटे मिलते हैं आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए, उस हिसाब से आप अपना टाइम बांट लीजिए। आंसर लिखने के पहले ही ध्यान में रखिए कि 5 क्वेश्चन 3 घंटा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको 34 to 35 मिनट्स देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं होता है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप सबसे पहले 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और 8 में से उन 5 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिनके आंसर आपको देने हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हम कॉलेज में हमेशा सुनते हैं कि पेज भर दो आंसर लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात को आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज करिए, और ये ध्यान में रखिए कि पेज भरिए पर आंसर लिखिए कंटेंट के हिसाब से। जो क्वेश्चन कह रहा है उतना कंटेंट आपको होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमने जो बेसिक पॉइंट्स थे जो आंसर लिखने के पहले ध्यान में रखने हैं वो तो डील कर लिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट ये आता है कि आंसर लिखना क्या है। कंसेप्ट लिखना है, कंटेंट लिखना है, पर कंटेंट क्या लिखना है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किन टाइप के क्वेश्चंस DU हमसे लॉ फैकल्टी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है 5 मार्क्स का, दूसरा होता है 10 मार्क्स का, और तीसरा होता है 20 मार्क्स का। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली शॉर्ट नोट्स ही आते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट जो थ्योरी या किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। अब हमने देख लिए कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमको कैसे देने हैं, अब वो हम बारी बारी से डील करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो आंसर लिखने के पहले आप 2 पॉइंट का ध्यान रखिए। एक तो हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ये है कि आप 5 to 10 मिनट्स रखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि जो 35 मिनट्स मैंने बताया वो मैंने 20 मार्कर के आंसर के लिए बताया है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि 2 to 3 शीट्स जो आंसर शीट आपको मिलता है उसका आगे पीछे मिला के 2 से 3 शीट का आंसर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अप टू द पॉइंट जो कंटेंट मांग रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, बस आप उतना ही आंसर लिखिए, उससे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जो टॉपिक है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए सीधे, और अगर वो किसी केस लॉ से रिलेटेड है या अगर कोई लॉ सेक्शन की डिमांड करता है तो आप उसको लिखिए। तो अगर लॉ सेक्शन की डिमांड कर रहा है तो पहले हम टॉपिक लिखेंगे, थ्योरी उसका लिखेंगे कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में उसका सेक्शन लिख देंगे, और एक पैराग्राफ में अगर वो किसी केस के बारे में पूछ रहा है तो उस केस का नाम और केस में क्या हुआ था, जजमेंट क्या था, वो डाल देंगे। और लास्ट में जब भी आंसर को हम एंड करते हैं तो वो आंसर हम कंक्लूजन के साथ एंड करते हैं, और कंक्लूजन में हमको क्या लिखना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपका आ जाता है थ्योरी बेस्ड 10 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 34 to 35 मिनट्स में। उसी तरह से 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको 4 to 5 शीट्स, और जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आंसर आप
7 to 8 शीट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, इतने में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्टली आपको टॉपिक दिया होता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आंसर लिखने के पहले आप एक प्रोसेस बना लीजिए कि आंसर कैसे लिखना है। जब भी हम लॉ का कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले जो थ्योरी पूछा जा रहा है हम उस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करें विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आप हमेशा थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप हमेशा, अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है या कुछ न्यूज़ है जो आपने पढ़ा है, कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो किसी प्रोमिनेंट लॉयर, जज या किसी जूरिस्ट का दिया हुआ है, तो सेकेंड पॉइंट में आप उसको इंक्लूड कीजिए। उसके बाद फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाता है सेक्शंस और लॉज। तो सिर्फ सेक्शन मत लिखिए, सेक्शन लिख रहे हैं तो साथ में वो किस एक्ट का सेक्शन है वो भी मेंशन कीजिए और करेक्ट नेम मेंशन कीजिए। अब सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो पूरा वैसा का वैसा कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने क्या समझा आप उसको लिखिए बट करेक्ट लैंग्वेज में लिखिए, उसका लैंग्वेज आप कभी भी चेंज मत कीजिए। उसके बाद जब हमने लॉ कोट कर दिया, सेक्शन लिख दिए, तो फिर हम केस पे आते हैं। जब हम केस लिखते हैं तो हम हमेशा ये बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी केस है उसका नाम करेक्टली मेंशन किया है, फैक्ट जो है वो मैक्सिमम एक पैराग्राफ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें जजमेंट लिखते हैं, जो भी जजमेंट दिया गया था या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी है, तो आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं। और अगर नाम याद नहीं है तो एटलीस्ट ये ज़रूर लिखते हैं कि हाँ प्लेंटिफ की ये डिमांड थी, डिफेंडेंट की ये डिमांड थी। फिर हम जजमेंट लिखते हैं, जजमेंट के बाद जो सिमिलर केसेस होते हैं उनको सिमिलरली करके उन केसेस के बस नाम डाल देते हैं, और जो डिसिमिलर केसेस होते हैं मतलब जिनके फैक्ट सेम होते हैं पर जजमेंट्स डिफरेंट होते हैं उनके नाम और उनको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर हम लास्ट में उसको एंड करते हैं कंक्लूजन से आंसर को कि हम किस जजमेंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, और साथ में रीज़न भी देते हैं कि क्यों हम अग्री या क्यों हम डिसअग्री करते हैं। और मैं केस हमेशा इसलिए लिखने को कह रही हूँ, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 10 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का, केस इसलिए लिखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो पूरी पढ़ाई हुई है DU की, हम केस मटेरियल से ही पढ़ते हैं, केस मटेरियल ही हमारे पढ़ाई का पूरा पिलर है। तो अगर आप केसेस के नाम और केस में क्या हुआ वो नहीं लिखेंगे, वो आपको याद नहीं रह सकता है, तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। अब हम डील करेंगे हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है, और वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। वो भी सेम आपका 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का आता है। तो जो मैंने ऊपर बताया टाइम और शीट्स के लिए, सेम यहाँ भी वैसा ही रहेगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि डायरेक्टली केस का नाम लिखा होता है क्वेश्चन में और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरा होता है कि फैक्ट्स दिए होते हैं, और वो जो फैक्ट्स होते हैं वो मोस्टली वही केसेस होते हैं जो हमने केस मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो वो दिया होता है और फिर उसका आपको जजमेंट लिखना होता है। तो दोनों केसेस में पैटर्न सेम ही होता है आंसर लिखने का, बस जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पहले केस का नाम लिखते हैं कि हाँ ये जो फैक्ट है वो इस केस का है, हमने जो अपने केस मटेरियल में पढ़ा था। और दूसरा ये होता है अगर केस का नाम दिया है तो फिर हम फैक्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखना। इसमें भी पैटर्न वही होगा, सेम होगा जो थ्योरी बेस्ड के लिए होता है। बस ये हो जाता है कि केस का नाम आपने लिखा, फैक्ट लिखा, फिर हम लिखते हैं कि ये जो केस है वो इस टॉपिक के अंडर आता है, फिर हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक के बाद एग्जांपल देते हैं, फिर लॉ लिखते हैं, एक्ट लिखते हैं, सेक्शन मेंशन करते हैं, फिर केस का जो फैक्ट था वो जब हम मेंशन कर चुके होते हैं तो फिर जो इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो सिमिलर केसेस होते हैं उनके नाम लिखते हैं, डिससिमिलर केसेस होते हैं उनके नाम लिखते हैं, उनके जजमेंट लिखते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में हम यही लिखते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है इस केस से रिलेटेड, कि हम जो सिमिलर फैक्ट के साथ जो जजमेंट आया या फिर जो अलग सा जजमेंट आया किसी केस को ओवर रूल करके, हम उससे अग्री करते हैं या किससे हम डिसअग्री करते हैं, और अगर अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो आखिर हमारा क्या रीज़न है। अगर हमने डिसअग्री किया तो हमारे हिसाब से क्या जजमेंट होना चाहिए, और अगर अग्री करते हैं तब तो ये साफ़ है कि हाँ हम भी उस जजमेंट से अग्री कर रहे हैं, मतलब अगर हम भी वहाँ पे होते तो हमारा जजमेंट भी सेम होता। तो कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन से यहाँ आंसर एंड नहीं होता है क्योंकि वो जजमेंट पूछते हैं कि
इसमें जजमेंट क्या होना चाहिए। तो आप लास्ट में बस ये लिख दीजिए इस तरीके से, अपने आंसर को शुरू शुरू कीजिए जो एंड वाला पैराग्राफ है, कि जो भी हमने ऊपर में डिस्कस किया है, या इस तरह लिख सकते हैं आप, बेस्ड ऑन दी अबव लॉज एंड प्रेसिडेंट्स साइटेड अबव द जजमेंट शुड बी दिस, और इस तरीके से आप अपना आंसर एंड कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, उसमें कंटेंट क्या लिखने हैं वो देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम जान कर भी अनजान कर देते हैं, तो किस तरीके से हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है लॉ फैकल्टी में, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो जो पॉइंटर्स हैं मैं वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो कर लिया हमने, जब आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा एक नज़र आप अपनी घड़ी की ओर रखिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपकी आंसर शीट है वो नीट एंड टाइडी हो, फर्स्ट इम्प्रेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स पे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आंसर शीट आपकी नीट एंड टाइडी हो, अगर आप रूलर स्केल या डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल पेंस नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट जब एक आंसर लिख दिया तो 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा आंसर लिखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आपका पेपर साफ ही रहेगा और समझ में आएगा आपकी राइटिंग की, हाँ आपने लिखा क्या है। लैंग्वेज अच्छी यूज़ करने की कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अच्छी इंग्लिश हो, हिंदी लिख रहे हैं तो प्रॉपर हिंदी होनी चाहिए, और जो लॉ के टर्म्स हैं वो तो आपको मेंशन करने ही करने हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि क्वेश्चन और सब क्वेश्चन के जो नंबरिंग होती है वो आप हमेशा करेक्ट मेंशन करने की कोशिश कीजिए। फिर जैसा मैंने कहा, सिर्फ शीट्स मत भरिए, कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर में, और ऐसा नहीं कि अगर किसी टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको पता है कि हाँ ये मर्डर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर मर्डर से रिलेटेड होगा, तो ऐसा मत कीजिए कि जितने केसेस मर्डर के थे उन सबको मेंशन कर दिया, नहीं, जो क्वेश्चन की डिमांड है बस अप टू द पॉइंट कंटेंट्स मेंशन कीजिए, इससे एक अच्छा इंप्रेशन ही बनता है। उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप ऐसा कुछ कटौती मत कीजिए, ये ध्यान में रखिए कि जो भी आपका आंसर शीट पढ़ेगा या चेक करेगा उसको कुछ नहीं आता इस टॉपिक के बारे में, तो आपको उसको समझाना है, ऐसा समझिए कि आपको उसको पढ़ाना ही है, एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरीके से जब अपना आंसर लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा अच्छा ही होगा और अच्छे मार्क्स फेच करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब लॉज एक्ट सेक्शन मेंशन करते हैं तो एटलीस्ट सेक्शन की नंबरिंग करेक्ट मेंशन कीजिए, एक्ट का नाम करेक्ट होना चाहिए कि हाँ इस एक्ट का ये सेक्शन है, ये नहीं कि सेक्शन किसी और का, एक्ट किसी और का लिख को छोड़ दिया, ऐसा मिक्स मत कीजिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है जब केसेस के नाम लिखते हैं तो केसेस के नाम करेक्ट मेंशन कीजिए, कोशिश करिए कि आपको केसेस याद हो कि हाँ इस केस में ये हुआ था। अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर किस केस में क्या हुआ, कौन सा केस किस टॉपिक का है वो तो याद रख ही सकते हैं। उसके बाद जब केस लिखते हैं तो सिर्फ फैक्ट मत मेंशन कीजिए, 1 या 2 पेज का फैक्ट मेंशन करने से मार्क्स नहीं आते, फैक्ट से आपको मार्क्स कभी भी फेच नहीं होंगे, जब भी मार्क्स मिलते हैं जजमेंट कंक्लूजन से ही मिलते हैं, फैक्ट मैक्सिमम 1 पैराग्राफ, उससे ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन का भी लिख सकते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम 1 पैराग्राफ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर सबसे लास्ट पॉइंट ये होता है कि जब आप केस लिखते हैं तो आंसर हमेशा कंक्लूजन से एंड करने की कोशिश कीजिए, जजमेंट बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा ओपिनियन क्या है वो एज अ लॉ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जो भी जजमेंट है, जो कंक्लूजन है, आंसर हमेशा उससे एंड कीजिए। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे, 300+ भी आएंगे। और सिर्फ इस वीडियो को पढ़ के समझ के ऐसा मत समझ लीजिए कि आप एक बार आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर ऐसा ही लिखाएगा, कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी एक सैम्पल पेपर को उठा लीजिए, अगर सैम्पल पेपर नहीं उठा सकते हैं तो एटलीस्ट किसी भी एक पॉइंट को ही
किसी भी एक टॉपिक को उठा लीजिए, उस पर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा सोचिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, फिर आंसर लिखिए उस हिसाब से और प्रैक्टिस कीजिए, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे या विवेक जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्विपमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।